नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पे। दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था कि शॉर्ट वीडियो पे थंबनेल लगाए या नहीं लगाए, अगर नहीं लगाते तो क्या नुकसान होगा और लगाते तो क्या फायदा होगा। तो आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि शॉर्ट वीडियो पे थंबनेल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे यूट्यूब से रिलेटेड और टेक्निकल वीडियो मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि शॉर्ट वीडियो पे थंबनेल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट वीडियो पे जो आपके व्यूज आते हैं कहाँ पे आते हैं। जो शॉर्ट वीडियो पे आपको व्यूज आते हैं वो आपके स्लाइड से आते हैं। जो शॉर्ट वीडियो में जो भी आप स्लाइड करते हैं वहां से आपको अच्छे खासे व्यू आते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब भी रिकमेंड करता है बहुत सारे लोगों को, और कभी कभी की सजेस्ट भी करता है। और आपने कभी देखा होगा कि जब आप अपना YouTube यूज करते हैं तो बीच में आपको शॉर्ट वीडियो आ जाता है और आपने वो शॉर्ट वीडियो देख भी लिया, और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसका सजेशन में आने लगता है। आप चाहे अपने मोबाइल से देख रहे हैं या फिर आपके डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि उसका शॉर्ट वीडियो सजेस्ट में भी आ रहा है। यूट्यूब क्या करता है कि वो वीडियो को आपको सजेस्ट कर रहा है, तो यहाँ से भी वो आता है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको थंबनेल यूज करना है कि नहीं यूज करना है। आपको लग रहा है कि आपको जो व्यू आ रहा है वो स्लाइड से आ रहा है, तो अब उसमें आपको कोई भी थंबनेल नहीं यूज करेंगे तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका वीडियो सजेस्ट से आ रहा है तो वहां पे आपको थंबनेल यूज करना है, क्योंकि जब आप थंबनेल अच्छा लगाते हो, अट्रैक्टिव लगाते हो, तो लोग आपके थंबनेल को देख के उस शॉर्ट वीडियो को ओपन कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे जो बड़े शॉर्ट्स के चैनल होते हैं वो अपने चैनल में थंबनेल लगाते हैं। वो इसलिए थंबनेल लगाते हैं जब उनके शॉर्ट वीडियो स्लाइड में जाती है तो वहां से भी वो आ जाते हैं अच्छे खासे, और जब यूट्यूब रेकमेंड करता है उनके वीडियो को तो वहां से भी उनके व्यू आ जाते हैं। अगर आप अपने शॉर्ट वीडियो में थंबनेल नहीं भी लगाते तो उससे आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और लगाते भी हैं तो उससे आपको क्या व्यू मिल जाएगा। तो आपको मैं सीधा सीधा बता दूं कि आपको शॉर्ट वीडियो में थंबनेल लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप थंबनेल लगाते हैं तब आपका स्लाइड में भी आपका थंबनेल दिखता है, और आपके यूट्यूब जब रिकमेंड करता है, ब्राउज करते हैं, तो वहां से भी आपको व्यूज आते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया रहेगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखना, और अपना ध्यान रखना, खुश रहना। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।